मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को वेलकम है चैनल वन गार्डन पर। आज का टॉपिक है पॉटिंग मिक्स फॉर पिटूनिया एंड डालिया। फ्रेंड्स, आज हम लोग पहले तो देखेंगे जो पिटूनिया प्लांट के लिए कौन सा पॉट सिलेक्शन करना है, क्योंकि 90% लोग क्या करते हैं, पिटूनिया का जो पॉट सिलेक्शन है वही पर गलती करता है। और अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह का पॉट आपको लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरे पास 10 इंच, 8 इंच, 4 इंच और जर्मिनेशन पॉट के टाइप छोटे पॉट बहुत सारे प्लांट लगाए हैं इन सारे पॉटों में। लेकिन बात है कि इन सारे पॉट एक भी पिटूनिया के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका कारण क्यों है, देखिए पिटूनिया एक बहुत ही बुशी प्लांट है और बहुत सारा फ्लावर देता है और बहुत दिनों तक देता है, तो उसके लिए उतना लंबा जो पॉट है उसके देखने से क्या होगा, इसका ब्यूटी घट जाता है। देखिए, ये 8 इंच का पॉट है, 10 इंच का पॉट है और ये जो पॉट है, ये पॉट भी 10 इंच का पॉट है, लेकिन इसका जो हाइट है केवल 6 इंच है, 6 इंच। तो इसमें क्या होगा, उस मिट्टी भी अच्छा भर सकेंगे आप और बूशी भी कर पाएंगे, तो चारों तरफ क्या होगा, जो पिटूनिया का जो फ्लावर है वो एकदम बूशी हो जाएगा। जितना भी आप एक्सपर्ट लोग देखेंगे पिटूनिया के जो पॉट सिलेक्शन करता है तकरीबन इस तरह का होता है। आप चाहे तो इस तरह का 8 इंच का पॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 10 इंच का पॉट लिया है क्योंकि मुझे 100 से ज़्यादा पिटूनिया एक प्लांट में खिलाना है। देखिए, 4 इंच का पॉट है लेफ्ट में, वो कितना छोटा है, उसमें पेंजी लगाए, वो भी एक छोटा सा 5 इंच का फ्लैट पॉट है जिसमें पेंजी लगाया, ये भी पॉट बहुत ही छोटे है लेकिन पेंजी के लिए ठीक है, लेकिन ये भी सिलेक्शन नहीं करूँगा। दूसरा जो पॉट है इसमें भी हम लोग सिलेक्शन नहीं करेंगे पिटूनिया के लिए, हाइट बहुत कम है और बहुत ही फ्लैट है। इस तरह का पॉट में आप कटिंग्स लगाए, आप एलिशियम लगाए तो ठीक है, लेकिन इसमें भी पिटूनिया नहीं जमेगा, इसलिए हमको इस तरह का पॉट नहीं लेना है। जो पॉट मैंने सिलेक्शन किया है राइट में, उसमें जो हाइट है केवल 6 इंच का है और जो डायमीटर है 10 इंच का है, एकदम 10 इंच का सेमी फ्लैट पॉट। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं सॉइल कॉम्बिनेशन कैसा होना है पिटूनिया के लिए। इसके लिए लेना होगा आपको 40% प्लेन गार्डन सॉइल जो कि सूखा हुआ है, बहुत ही दिन से मैं इसको सूखा के बोरिया में भर के रखा था। आपको लेना है 30% भर्मी कंपोस्ट, आप चाहे तो सूखा हुआ काउडंग भी ले सकते हैं, और आपको लेना है 30% कोकोपीट जो कि मेरे लिए एक बहुत ही कॉमन सा चीज़ है। इन सभी का मिश्रण आपको लेना है 30%, 30% एंड 40%। जब भी आप प्लांट को लगाएगा इस तरह का कुछ आप स्टोन्स नीचे दे दीजिएगा ताकि उसको जो होल है उसको कवरेज कर पाए ड्रेनेज के लिए। देखिए दोस्तों, पिटूनिया के लिए हम लगा रहे हैं जो कि जालीदार छोटा पॉट है, इसलिए डायरेक्टली पॉट के साथ ही उसको हम नीचे इसको पॉट कर देंगे, उसको खोलने का कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, 10 इंच का पॉट है, हाइट कम है और फ्लैट ज़्यादा है। और बाकी का मेरा दूसरा प्लान देखिए, आज इसी पॉटिंग से लगाएंगे डालिया लगाएंगे जो कि मेरा नया कलेक्शन है, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किए थे। उसके बाद इसी मिट्टी में लगाएंगे सल्विया लगा देंगे, और आपको और भी कुछ प्लांट है जैसे कि कैलेंडुला है, इसको भी लगाएंगे सेम पॉटिंग मिक्स में। उसके बाद आपके जो प्लांट है गजनिया है, ये बहुत ही खूबसूरत सा फूल है, वो आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, और भी कुछ प्लांट है जैसे कि ये है सिलोशियस है, और भी कुछ शायद है, और देख लीजिए आप, ये है आपका वेनिला वाइट, मतलब के ये मारीगोल्ड का ही है लेकिन वाइट वेराइटी है। बहुत सारा प्लांट आपको इसी पॉटिंग मिक्स में हो जाएगा। पॉटिंग मिक्स सिर्फ आपको अलग लेना है पैंजी, इम्पेशंस एंड एलिशियम के लिए। इन तीनों का पॉटिंग मिक्स थोड़ा अलग होता है, बाकी किसी भी विंटर फ्लावर में आप इस तरह का पॉटिंग मिक्स जो मैंने इस तरह का प्लांट में लगाया आज, आप लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पैंजी, इम्पेशंस एंड एलिशियम, इनका पॉटिंग मिक्स थोड़ा सा लाइट होगा, इससे भी लाइट होगा। वो आप लोग पहले ही शायद देख चुके हैं, मेरा वीडियो देख लीजिएगा, विंटर गार्डन सीरीज़ का 1, 2, 3 या 5th पार्ट चल रहा है, आप लोग मिस मत कीजिए। देखिए, अभी जो प्लांट को लगाया उसके बाद आपको इसको डायरेक्ट साइलेंट में नहीं रखना है, 10 दिन के बाद हम लोग सोचेंगे कि उसको कहाँ रखें। देखिए दोस्तों, अभी उसी तरह सॉइल कॉम्बिनेशन में हम लोग लगाएंगे डालिया को लगाएंगे। डालिया के लिए आप
लंबा पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए फ्लैट पॉट का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन डलिया का जो मिनिमम जो पॉट साइज़ होना चाहिए वो है 8 इंची और मैक्सिमम 10 इंची, उसके ज़्यादा बड़ा ज़रूरत नहीं है। और कोशिश कीजिए, डलिया दो टाइप का होता है, एक तो होता है सिंगल जहाँ पर एक ही बड़ा सा फ्लावर खिलेगा, और दूसरा होता है पम्पन, जैसे कि क्रिसेंथम का पम्पन वैरायटी होता है उसी तरह का डलिया का भी पम्पन, मतलब कि ब्रांच वैरायटी, मतलब कि एक ही प्लांट में छोटे छोटे बहुत सारे डलिया होता है। लेकिन उस तरह प्लांट के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ सिंगल फ्लावर वाला बिग फ्लावर वाला डलिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो वैरायटी भी यही है। किसी भी प्लांट को आप लगाइए, 10 से 15 दिन तक उसको आपको सेमी सेट में रखना है, उसके बाद ही इसको ओपन सनलाइट में रखने का आप कोशिश कीजिएगा, आपका वेदर और टेम्परेचर का अनुसार। जो बाकी जो मेरा जितना भी प्लांट था, जैसे कि आपका देखिए वेनिला, मारीगोल्ड, कैलेंडुला, गैजनिया, सिनेरेरिया, सभी को मैंने इस तरह का जो पॉटिंग मिक्स है उसमें लगा दिया। इसके लिए अलग सा कोई पॉटिंग मिक्स का ज़रूरत नहीं, उसी में चल जाएगा। लेकिन पहले भी मैं बोला हूँ कि इम्पेशंस, पैंजी एंड एलिशियम के लिए थोड़ा अलग मिट्टी होगा, जो कि पहले ही मैं आपको साथ शेयर कर चुका हूँ। देखिए मेरा सभी प्लांट को इस अभी भी सेमीशेट में है जितना प्लांट है, और मेरा जो पहले सीरीज़ में लगाया था, देखिए इन सब का भी आप देख सकते हैं, मेरा जो इम्पेशंस है उसमें दो एक फूल खिल चुके हैं, और बाकी का जो मेरा बचा हुआ प्लांट है एक देख लीजिए दोस्तों। सपोज़ के मेरे पास जितना भी पॉट था ख़त्म हो गया, अभी कोई पॉट नहीं है, लेकिन इन सब को अब क्या करें अभी, तो मैं क्या करता हूँ, 2 इंच का जो छोटा पॉट होता है उसमें अभी इसमें वेटिंग लिस्ट में डाल दूँगा। जब मेरे पास पॉट आएगा तो मैं इसके बारे में सोचूंगा, अभी तक मेरे पास कोई पॉट नहीं है, सब पॉट ख़त्म हो चुका है, अभी इसको हम 2 इंच के पॉट में उसी पॉटिंग मिक्स में रख देंगे। आप चाहे तो इसको 15 दिन 20 दिन तक रख सकते हैं, फिर आपका मेरा जब पॉट खाली होगा गार्डन में तब मैं इसको डाल दूंगा उसी पॉट में।